हाय एवरीवन, आज 26th of Jan 2021, 26 जनवरी का दिन है और आज के दिन को हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स अभी भी आज के दिन CA एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं जानता हूँ, बीइंग ए CA स्टूडेंट्स एंड बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या कितना हम सेक्रीफाइस करते हैं, क्या हमारी दिवाली, क्या 26 जनवरी, क्या 15 अगस्त। लेकिन दोस्तों, फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज का दिन यानी 26 जनवरी, इस दिन को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। हमारा देश तो आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 में, लेकिन अपने देश का जो संविधान लिखा गया था, ठीक है जी, जो संविधान लागू हुआ था, लिखा तो पहले गया था, जो लागू हुआ था वो आज के दिन हुआ था। मैं ये सोचता हूँ यार, ये इतना दिन मतलब इम्पोर्टेंट क्या है इस दिन का इतना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो अगर ये हमारा संविधान, हमारा ये जो कानून है, ये ना होता तो जैसे मेरी पार्क के बाहर स्कूटी खड़ी है, हो सकता है कोई ले जाता, चोरी होती। क्योंकि जब कोई संविधान, जब कोई कानून ही नहीं है, कोई किसी की ज़मीन पे कब्जा करता, कोई किसी के साथ कुछ करता, लेकिन आज के टाइम में हम सब कितने सुरक्षित हैं। कारण क्या है? संविधान, देश का जो संविधान है उसने मौका दिया है हर एक बंदे को खुल के जीने का। क्योंकि अगर उसके साथ कुछ गलत होगा तो हमारे देश का कानून, हमारे देश का संविधान है जो उसको बचाएगा और सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। तो ये दिन अपने आप में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आज मॉर्निंग में मैं अभी पार्क में आया हुआ हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बच्चे खेल रहे हैं। मेरा खुद मन कर रहा है कि मैं इनके साथ बैट बॉल खेलूँ, लेकिन थोड़ा सा कोरोना की वजह से बस अंदर से आ नहीं रहा कि यार खेलना चाहिए। कि वैक्सीन तो अभी आ गई हैं, कुछ टाइम पर वैक्सीन जब आम लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा तो वैक्सीन लगवा के खेल लेंगे, तो इतना तो हम थोड़ा सा कर सकते हैं वेट। तो हाँ, आज मॉर्निंग में एक चीज़ इम्पोर्टेंट बड़ी देख रहा था, वो ये है कि संविधान परेड होने से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, ये सभी दिल्ली इंडिया गेट पे गए और वहाँ पे एक शहीद स्मारक बना हुआ है, वो शहीद स्मारक के सामने इन्होंने नमन किया और वहाँ पे सर झुका के जितने भी हमारे देश के जवानों ने सेक्रीफाइस किया है फॉर द कंट्री, उनको नमन किया, उनका अभिवादन किया कि हाँ भाई, आपने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है तो हमारा इतना ज़रूर हक बनता है देश का फर्स्ट नागरिक होने के नाते कि आपको मैं श्रद्धांजलि प्रोवाइड करूं। तो यानी 26 जनवरी मुझे खास इसलिए अच्छा लगा आज के टाइम पर कि यार, हम जितने भी हमारे देश के जवान हैं जो बॉर्डर पर होते हैं और न जाने कितने वॉर्स चलते रहते हैं, कभी चाइना के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ, और न जाने कितने बीच बीच में अटैक्स होते रहते हैं, तो उसमें सेक्रीफाइस होते हैं। और यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ, जब मैं एड्रेस करता हूँ CA स्टूडेंट्स को, CA स्टूडेंट्स का क्या सेक्रीफाइस है? CA स्टूडेंट का सेक्रीफाइस है उसका अटैम्प्ट, लेकिन हमारे देश के जवानों का क्या सेक्रीफाइस है? उनकी पूरी लाइफ, ना ही बल्कि उनकी ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार की लाइफ। दोस्तों, बात में बड़े हंस के कह रहा हूँ, मेरे दिल से पूछो, बात में बड़े हंस के कह रहा हूँ लेकिन मेरे दिल से पूछो, जब मैं सोचता हूँ, जब मैं अपने आप को कंपैरिजन करता हूँ कि मैंने मेहनत करी और उसके बाद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में फ़ेल हो जाता हूँ, CA में फ़ेल हो जाता हूँ, ठीक है जी, CA ही नहीं, न जाने कितने ऐसे एग्ज़ाम्स होंगे, MBBS, IIT, ठीक है ना, जिसमें बच्चे क्लियर नहीं कर पाते, राइट। लेकिन उनसे पूछो, वो बंदे कितने मेहनत करते हैं, जिनका पूरा का पूरा लाइफ चली जाती है, उनकी फैमिली मतलब कैसे सर्वाइव करती है उनके बिना। तो मैं इस बात को जरा सोच रहा था तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करूं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आज के दिन, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे खासकर CA स्टूडेंट्स जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं और CA फैटर्निटी के लोग, आज के दिन 5 मिनट का उन सभी हमारे जवानों के लिए एक 5 मिनट का मौन या फिर एक सल्यूट टाइप परेड तो बनता है, कि ताकि हम रियलाइज़ करें कि हाँ भाई, उनका सेक्रीफाइस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें यहाँ पे एनर्जी देनी चाहिए अपने आप को, ये सोच के कि यार वो लोग तो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हमें तो जस्ट पढ़ना है, एग्ज़ाम्स निकालने हैं, तो इस तरह का भी मोटिवेशन हमें मिलना चाहिए, ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा मेरा 5 मिनट का वीडियो था, मेरे दिल की बात थी, मैंने सोचा इसको शूट करूँ और शूट करके आप देख सकते हैं
कितना अच्छा माहौल है। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ पार्क में, एक्चुअली मुझे बचपन से ही ना हेलीकॉप्टर्स हवाई जहाज जो छत से निकलते हैं वो देखना बड़ा पसंद है, तो यहाँ पे पार्क से ना पूरा का पूरा अच्छे से दिखते हैं। और दिल्ली में राजपथ इंडिया गेट मेरे यहाँ से केवल 10 किलोमीटर दूरी पे है, तो सभी यहाँ से होके गुजरेंगे। तो मैं यहीं रहूँगा अभी आधे घंटे, कुछ वॉक करूँगा, राइट। फैट तो काफ़ी गेन ही है मेरा, उसके ऊपर भी मेरे को काम करना है। ठीक है, थैंक यू।